सहारनपुर में शनिवार को युवक की मौत के बाद गुस्साए उसके परिजनों ने देहरादून रोड सड़क दूधली में शव को रखकर जाम लगा दिया, जिसके कारण हाईवे पर लंबी लंबी लाइनें लग गई, जिसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। मृतक के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व पैसों के लेन देन को लेकर लाल सिंह को अमित व संजय नामक युवक ने घर से पैसे देने के बहाने बुलाया था और फिर एकांत जगह पर ले जाकर लाठी डंडों से पीट पीट कर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, जिसके बाद लाल सिंह को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसको चंडीगढ़ PGI में रेफ़र कर दिया था, जहां पर इलाज के दौरान लाल सिंह ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद आज उसके परिजनों ने जाम लगाया, जहां पर अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए परिजनों से जाम खुलवाया। मैं मार कर देख गई थी नहर में, वहाँ घर तो ले गए, घर से बुला कर ले गए थे। कौन लोग थे इसके साथ? थे इसके स्टाफ के, एक अमित था, एक संजय था, एक राजेश था। कहाँ के रहने वाले? रेंट के रहने वाले हैं। शादी के बाद ले गए थे घर से, शादी में जा रहे बुढ़े थे। दारू में पिलाएगा सब कुछ अन्य होता है, एक के बस मत, दो के भी बस मत है ऐसा। उसमें इधर मैं मैं जाओ सीधे ही भाग मत है जी। तो आप क्या चाहते हैं? हमसे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, जिन लोगों को सजा चाहिए मुझे। सहारनपुर की सदर तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व SSP डॉक्टर एस चनप्पा द्वारा लोगों की शिकायतों को सुना गया। इस दौरान 30 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से एक का मौके पर ही निस्तारण कराया गया, जबकि बाकियों के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा जल संरक्षण के लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई गई। देखिए, आज शासन के निर्देशानुसार जो है माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को जो है संपूर्ण समाधान दिवस और सेकेंड और फोर्थ शनिवार को थाना दिवस ये संपन्न कराया जाएगा, जिसके क्रम में आज तृतीय शनिवार को यहाँ पर तहसील सदर में जो है हम लोग, मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ये दोनों लोग जो है यहाँ पर संपूर्ण थाना समाधान संपूर्ण समाधान दिवस में यहाँ पर आए हुए हैं। आज यहाँ पर सभी विभाग के जो भी जिम्मेदार ऑफिसर हैं वो सब यहाँ पर हैं और सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, जो कि संपूर्ण समाधान दिवस का समय है, इस समय में जितने भी प्रार्थना पत्र आ रहे हैं उन प्रार्थना पत्रों पर जो भी निस्तारण की कार्रवाई है, उनकी सुनवाई की कार्रवाई है, ये सब हम लोग करा रहे हैं। शासन के ये भी निर्देश हैं कि जो भी प्रार्थना पत्र इसमें प्राप्त किए जाएंगे उसमें से जो 4-5 प्रार्थना पत्र जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, उन महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्रों को हम लोग अलग से भी उसको देखेंगे। सहारनपुर में शनिवार को साप्ताहिक लॉकडाउन बेअसर मालूम हुआ, लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया। बाजारों में दुकानें तो पूरी तरह से बंद दिखाई दी और बाजार सुनसान नजर आए, मगर मोहल्ले और मुख्य मार्ग पर लोगों की आवाजाही आम दिनों की तरह नजर आई। इससे साप्ताहिक लॉकडाउन का मकसद पूरा होता नहीं दिखाई दिया। यार एक बात बता, मंत्री तक ने जाकर अस्पताल में लगवाई वैक्सीन? सहारनपुर की थाना मंडी इलाके के तोता चौक शिवपुरी कॉलोनी में दिन दाड़े भरी दोपहर में घर व लॉकर का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने 6 लाख रुपए की नकदी व ज्वेलरी पर हाथ साफ किया है। पीड़ित देवेंद्र सैनी अपने काम से गया हुआ था, जबकि उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस जाँच में जुट गई है।